हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रसोई के चटकारे विद मल्लिका। पालक लेके कहाँ जा रही हूँ? कहीं नहीं जा रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ पालक की कढ़ी। पकौड़ी वाली कढ़ी का तो स्वाद ही बहुत अलग होता है, लेकिन पालक वाली कढ़ी बहुत सर्दियों में टेस्टी लगती है, क्योंकि वैसे ही पालक को आप मान के चलिए इतना हेल्दी और इतनी टेस्टी सब्जियों में माना जाता है। मुझे तो पालक की हर डिश बहुत अच्छी लगती है। चलिए आज मेरे साथ बनाइए पालक की कढ़ी। तो फ्रेंड्स, पालक की कढ़ी बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने लिया है लगभग आधा किलो के करीब पालक, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये लिए है मैंने मट्ठा, आधा कटोरी के करीब मट्ठा है ये। अगर आप इसे ml में लेना चाहें तो लगभग आधा किलो से थोड़ा ऊपर मट्ठा है। ये लिया मैंने आधा बाउल बेसन, और इसके साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा कटा हुआ। सबसे पहले रनिंग वाटर में पालक को डाल करके धो करके अलग कर देते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स का अच्छे से धुला होना बहुत जरूरी होता है। ये हमारा पालक रेडी हो गया है। चलिए अब कढ़ी को छौंकते हैं। कढ़ी को छौंकने के लिए सबसे पहले इसमें डाल दीजिए एक गिला घी। घी के साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ही मीठी सरसों और इन सबके साथ में ही थोड़ा सा डाल देंगे अदरक, और अदरक को ज्यादा भूनने मत दीजिएगा, उससे पहले ही इसमें डाल दीजिए पालक। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए सीजने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि पालक अपने आप ही पानी छोड़ता है। इसमें पानी मत डालिएगा और इसको ऐसे ही ढक के रखें। और हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे मिक्स करके मिक्सर बना के रख लेते हैं। मैंने मट्ठा इसमें खट्टी ली है, खट्टी ही लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। पालक के पकने का वेट करते हैं। पालक हमारा पक के रेडी हो चुका है। बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये कढ़ी बहुत जल्दी से पीसी से बन जाती है। ये देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि जिसमें भी मट्ठा का घोल डालते हैं, मट्ठा के एकदम फटने का डर रहता है। थोड़ा सा पानी डाल करके धीरे धीरे अब इसमें मट्ठा का घोल डालना, और इसको सच आसान है, उतनी ही खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत टेस्टी होती है। डाल दिया है, अब हम थोड़ा बॉईल पानी का वेट करते हैं। मट्ठा बेसन के साथ डालने के साथ ही जैसे जैसे बॉईल होना शुरू करती है, वैसे वैसे गाढ़ी होने लगती है। तो इसमें हाफ बाउल पानी और ऐड कर दीजिएगा, उसके साथ ही इसमें पौन चम्मच के करीब हल्दी भी डाल दीजिए, क्योंकि हल्दी जब ऊपर से हम डालते हैं तब वो धीरे धीरे जब कलर लेती है तो बहुत ही फाइन कलर आता है। होने पे आ गई है और देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया। कढ़ी बॉईल होने पे आ गई है और देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच के करीब नमक। नमक हमेशा याद रखिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जो भी मट्ठा या दही से चीज बनती है उसका स्वाद तब तक नहीं खुलता जब तक कि उसमें ऑप्टिमम नमक नहीं होता। इतना बढ़िया बॉयल आ रहा है, 10 से 15 मिनट तक पकने के बाद में हमारी कढ़ी तैयार होने वाली है। कढ़ी के बन जाने का सबसे अच्छा इंडिकेशन ये होता है, मट्ठा में बेसन पड़ा है तो वो बेसन साइड्स में स्टिक होना शुरू हो जाता है। ये देखिए कढ़ी हमारी गाढ़ी हो चुकी है और किनारे से स्टिक भी हो गई, जो एक इंडिकेशन है कि कढ़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब इसे हटा देते हैं और इसके लिए हम बना लेंगे बढ़िया सा तड़का। ये लीजिए घी।
मलिका बनाने के लिए घी मेरा तेज गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया सरसों को और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये हो गया और इसके साथ डाल दीजिए एक चम्मच लाल मिर्च। चलिए दोस्तों, तो अपनी कढ़ी परोसने के लिए तैयार है।